हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि गाइस हमको पता है न्यू मून आ गया है, कल आ जाएगा, जैसे हम सबको पता है, तो उसके लिए ही हम ये रीडिंग करेंगे। और मैंने पहले से ही कार्ड निकाल लिए हैं ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपतिय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। पायल नंबर वन आपके लिए रखा है मैंने ग्रीन कलर का पिरामिड हार्ट चक्रा। पायल नंबर टू आपके लिए रखा है स्काई ब्लू कलर का पिरामिड थ्रोट चक्रा। एंड पायल नंबर थ्री आपके लिए रखा है ब्लू कलर का पिरामिड यानी कि थर्ड आई चक्रा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लंबी लंबी सांसें लीजिए। अगर कन्फ्यूज हो रहे कौन सा चूज़ करें, लंबी सांसें लीजिए, आँख बंद करिए और आँख खोलिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा आपने कौन सा चूज करना है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। पायल नंबर वन जिन्होंने भी हार्ट चक्र चूज किया है, हार्ट चक्र का पिरामिड, सबसे पहला कार्ड है आपका होल्ड योर विजन बिलीव इन द इम्प्रूवल टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सबसे सुंदर कार्ड जो आपका निकला है, न्यू मून की जो एनर्जी है आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा है आपके घर में या फैमिली में, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, उस चीज़ को लेके आप ढीठ मत बनिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है अड़ियल मत बने रहिए, थोड़ा तो सामने वाले को भी मौका दीजिए अपनी सफाई देने का या बोलने का। और आपने जो सपने देखे हैं या जो आप जिन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, बिलीव करिए उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको अपना जो अड़ियल रवैया है वो छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, आपके सपने पूरे करने का टाइम आ गया। आपके बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है। डिपेंड सब कुछ गाइस पायल नंबर वन आप पे है, आपको अड़ा नहीं रहना है। इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलने वाली है और आपने सोचा भी नहीं होगा, जो किसी को नहीं मिली है, यानी कि रेयर जो लोगों को मिलती है चीज़, उसमें से वो आपको मिलने वाली है। हर किसी को नहीं मिलती है चीज़ जो आपको मिलने वाली है। वो क्या चीज़ होगी सबके लिए अलग अलग होंगे ना गाइस, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबकी लाइफ में चीज़ें अलग हो। किसी को जॉब के लिए होगा, किसी को बिजनेस के लिए होगा, किसी को किसी ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए होगा ना, हर चीज़ हर पर्सन के लिए अलग होगा। तो आपसे जो रेजोनेट होती है वो आप रख लीजिए, अड़ियल नहीं बनना है गाइस। हर चीज़ भाग के दौड़ के पूरा नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा रुकिए, सांसें लीजिए, खुद को आराम दीजिए, क्योंकि आपको जो करना था अब आप कर चुके हैं। यूनिवर्स को अब करना है अपना काम, तो अड़ियल मत बनिए, शांति से बैठिए और सामने वाले लोगों को भी शांति दीजिए, क्योंकि हो सकता आपके कारण बहुत लोग परेशान है गाइस, तो उनको भी सांस लेने दीजिए। हर चीज़ भाग दौड़ के हम नहीं कर सकते, लाइफ में आराम की भी ज़रूरत है। अब आराम करिए, आराम का टाइम आ गया है। जो आपने पीछे उस काम के लिए मेहनत करी थी उसका रिजल्ट आ गया है और वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमेशा की तरह मैं बोलूँगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब देखते हैं पायल नंबर टू। चलिए गए शुरू करते हैं पायल नंबर टू आपके लिए। देखते हैं फुल मून की एनर्जी, सॉरी न्यू मून की एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड है हमारा ए पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन, वर्क थ्रू योर फियर्स, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर की जो कहते हैं ना एक कठोरपन, वो हटाइए, सॉफ्ट बनिए, सॉफ्ट हार्टेड बनिए गाइस। इतना ढीठ बनना ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपका हो सकता है किसी पर्सन के लिए आप ढीठ बन रहे हो,
किसी चीज के लिए बन रहे हो कि नहीं नहीं करना है या नहीं देना है, तो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड बनिए गाइस। यहाँ पे आपको बहुत क्लियर बोला जा रहा है, जो भी आपके ज़्यादातर पर्सनल इशू यहाँ दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड बनिए। उनकी तरह, सामने वाले की तरह भी सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। उनके विचारों को भी सुनिए, वो उनके विचार क्या हैं। और दूसरी चीज़, आपको ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं सॉफ्ट हो गई, मैं इन लोगों से घुलने मिलने लगी, तो हो सकता है ये मेरी वैल्यू नहीं रखें, या मेरा काम, जो आपका काम करवाने वाले हैं, आपको लगता है कि आप रफली बात करके अपने काम निकाल रहे हैं, तो ना करें। तो ये अपने दिमाग से ये थॉट बिल्कुल निकाल दीजिए, और डर, आई थिंक इसे डर बोलेंगे, ये डर निकाल दीजिए आप अपने दिमाग से। बिल्कुल वो आपकी बात सुनेंगे, बल्कि खुशी खुशी करेंगे जब उनसे आप प्यार से बात करेंगे। आप अपने लिए भी इतने सख्त मत बनिए, हो सकता है आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो अपने ऊपर भी आप दया नहीं कर रहे हैं, है ना। ये कार्ड बहुत क्लियर दिखा रहे हैं आपकी एनर्जी को लेके, अपने ऊपर भी दया करें, दूसरों पे भी दया करें। आप इतने हार्टलेस मत बनिए, अपने डर से बाहर निकलिए। जिस भी चीज़ का आपको डर है और आपको निगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है, बहुत क्लियर कार्ड है गाइस। जो भी आपके अंदर निगेटिविटी, आप क्या है, थॉट हो सकते हैं, हमारे थॉट ही होते हैं और क्या, ज़्यादातर निगेटिविटी हमारे विचार होते हैं जो उल्टे सीधे आते रहते हैं। तो पॉजिटिव की साइड जाइए, निगेटिव एनर्जी अपनी रिलीज़ करने का, निगेटिव थॉट रिलीज़ करने का, उनसे लेट गो करने का टाइम आ चुका है। सॉफ्ट हार्ट वाले इंसान बनिए। दूसरी चीज़, जो भी आपका डर है उस डर से बाहर निकलिए, वो आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं आपके लिए होने वाला है। तीसरी चीज़ है, जो भी आपकी निगेटिविटी है, रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी जरूर करिए गाइस, ताकि जब भी, और बेल बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिले। थैंक यू। चलिए गाइस, शुरू करते हैं पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ब्लू कलर का पिरामिड चूज किया है, थर्ड आई चक्रा। चलिए, फर्स्ट कार्ड है हमारा, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, यू आर गुड इनफ, You are very close to achieving your goal. तो कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है, जो आप कर रहे हैं करिए, कंफ्यूज मत होइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप, है ना, कई जगह, जैसे कुछ लोगों का दिख रहा है कि वो घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद रहे हैं या चेंज करना चाहते हैं, घर भी शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो बहुत जगह उन लोगों ने देखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये करें, तो बहुत ज़्यादा चूजिंग वन बोलते हैं ना, वो मत करिए। बहुत ज़्यादा जैसे मीन में एक निकाल रहे हो चीज़ों में, ये करें कि ये, तो वैसा मत करिए। आप आगे पीछे देखिए, सोचिए जो आगे भी आपको काम आए, जहाँ से आपका हो सकता है, ऑफिस हो, स्कूल हो, पास में हो, वो सब चीज़ें देखिए, आगे पीछे की मार्केट देखिए, हो सकता है ऐसी जगह आप घर लीजिए अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि चूजिंग यहाँ पे दिखा रहा है, जरूरत से ज़्यादा आप बन रहे हैं, तो इतनी चूजिंग मत बनिए। जो भी, और कुछ लोगों के लिए है कि जो आप इतने टाइम से जिस बात पे चल रहे थे, जो काम करना चाहते थे, जो अचीव चीज़ करना चाहते थे, उसके बहुत पास है, अपने गोल के बहुत पास है, तो धैर्य बनाए रखिए। जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहिए, चूजिंग ज़्यादा मत बनिए। गुड न्यूज़ है आपके लिए ये कि बहुत लोग घर चेंज करने या बाय करने वाले हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज़।